राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। डॉक्टर पंकज कुमार राजौरिया, क्या हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ हुई है? मार्केट हुई है, क्या तोड़फोड़ हुई है? हमारे यहाँ पे 25 दिन से मरीज एडमिट था, नाहर सिंह। हालत उनकी काफ़ी गंभीर थी, वेंटिलेटर पे मरीज था। उनके तीमारदारों को डॉक्टर साहब ने कई दिन कहा है कि आप इन्हें दूसरी जगह दिखा लीजिए, दिल्ली दिखा लो या कहीं भी किसी हायर सेंटर में दिखा लीजिए। लेकिन मरीज के तीमारदारों ने बोला कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम ले जाने की स्थिति में नहीं है, जो भी होगा हम यहीं से ले जाएंगे, चाहे मरीज हमारा एक्सपायर हो जाए या ठीक होकर जाए। आज सुबह करीब 8:30 बजे मरीज़ की दिल की धड़कन कम हुई तो हम लोगों ने CPR करना शुरू कर दिया, कोशिश की मरीज़ को बचाने की, लेकिन मरीज़ नहीं बच पाया, वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद इसके तीमारदारों को बताया, डॉक्टर साहब के द्वारा बात भी कराई मैंने, उनसे सारी चीज़ें समझाई। हमारे डॉक्टर साहब थे डॉक्टर सुरेश चावड़ा जी, वो भी मौजूद थे वहाँ, लेकिन वो चले गए थे डिक्लेयर करने के बाद, हमारे सीनियर डॉक्टर। उसके बाद इनके 2-3 तीमारदार आए जो कि फैक्ट्री में इनके बेटे हैं, उनने आके सीधी मारपीट करना शुरू कर दी मेरे ऊपर। उन्होंने मारपीट की, मारपीट करने के बाद में स्टाफ के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, सामान भी तोड़ा उनने, ये ICU का शीशा भी तोड़ दिया, यहाँ हमारा एक वीवॉक्स लगा हुआ है ये भी तोड़ दिया था इनने। उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब से बदतमीजी करना शुरू कर दी इनने, गाली गलौज। फिर उसके बाद इनने बाहर का एक शीशा लगा हुआ है बड़ा वाला, वो तोड़ दिया, एक मेन गेट का एंट्रेंस शीशा था वो तोड़ दिया। उनने एक गैर लाइसेंसी हथियार निकाल के फायरिंग भी की। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को मैंने 3 बार फ़ोन लगाया था, लेकिन व्यस्त जाने की वजह से वहाँ कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, तो हमने यहाँ से तुरंत एक अपना कर्मचारी भेजा सोनू गोस्वामी,
उसने जाके पुलिस को सूचना दी, तब पुलिस वाले आए थे। 100 नंबर पर हम लोगों का कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया था।